सिटी होम न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं एकता सिंगला, असं इस टाइम खड़े हाँ लुधियाना के चौड़ा बाजार में, जिथे कि तुम देख सकते हो कि पूरे तरीके जो अज वीकएड लॉकडाउन है उसकी हिदायतों का पालन करते हुए जो बाजार है पूरे तरीके बंद है। मैं अपने कैमरामैन कहना चाहूँगी कि वो थानू दिखा कि किस तरीके जो दुकाना ने पूरी प्रॉपरली बंद ने, तो जो आवाजाही है वह भी काफ़ी हद तक लगाम है। हुने थोड़ी देर पहला पुलिस वाले उरों लंघ के गए थे, वो पूरा कवर करके गए थे कि अगर कोई दुकान खुली है या लोग फालतू खड़े ने उन्होंने समझा बुझा के घर भी भेजा जा रहा है। तो तुम देख सकते हो बाजार के जो हालात ने कि जो बाजार है वो प्रॉपरली बंद है पूरे तरीके। असं थोड़ा होर भी कई बाजारों से लेके जावे तो दिखावे कि वीकेंड लॉकडाउन का किन्ना को असर है। असं इस टाइम खड़े हाँ प्रताप बाजार चौंक के देख सकते हो, इतने भी जो दुकाना ने प्रॉपरली बंद ने। लॉकडाउन का बहुत अच्छे तरीके जो पालन आप कह सकते हैं कि हो रहा है। वीकेंड लॉकडाउन दस दिए कि पंजाब के वीकेंड लॉकडाउन होंगे जो सैटरडे और संडे लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग तुम देख सकते हो कि जो बाजार है वो चंगी तरह बंद ने। आज देख सकते हो माता रानी चौंक वाले बाजार दियाँ तस्वीरें जो कि यह भी प्रॉपरली बंद है। लॉकडाउन की हिदायत का चंगी तरह पालन हो रहा है कि सिर्फ जो सब्जी वाले ने या फ्रूट्स वाले ने सिर्फ उन्होंने रेहड़ियाँ थोड़ा नज़र आ रही ने या थोड़ी बहुत आवाजाही है, बट अगर अदरवाइज़ अगर आप गल करिए मार्केट की तो वो प्रॉपरली बंद है। तो हूँ तुम तस्वीरों देख सकते हो मीना बाजार है, बुक्स मार्केट वाला बाजार है, ये भी प्रॉपरली बंद है। कि आप कह सकते हैं लुधियाने के जो वीकेंड लॉकडाउन है वह हिदायतों का बहुत ही अच्छे तरीके पालन हो रहा है। आवाजाही जरूर है थोड़ी बहुत, और असेंशियल जिमें आप फ्रूट्स वैजिटेबल्स की गल करिए रेहड़ियाँ जरूर लगिया हुई ने, बट अदरवाइज़ जो बाजार है देखने वो प्रॉपरली बंद है। आवाजाही जरूर है थोड़ी बहुत, बट जो बाजार है जो बाजार के हालात ने शॉप्स बिल्कुल ही क्लोज ने, किसी भी तरीके की कोई भी शॉप नहीं खुली हुई। जो पुलिस है बार बार वो राउंड देके जा रही है देखने लिए ताकि कोई गलत तरीके शॉप्स में ओपन तो नहीं कर रहा। तो तुम देख सकते हो तस्वीरों के लाइव कि किस तरीके जो बाजार का माहौल है वो की माहौल है। तो बाजार जो है प्रॉपरली बंद ने कि कोई भी शॉप जो है किसी भी सामान की शॉप है सिर्फ मेडिकल स्टोर्स नू छड़ के, अदरवाइज और कोई भी स्टोर कोई भी शॉप नहीं खुली है। सिर्फ फ्रूट्स वेजिटेबल्स दियाँ जो रेहड़ियाँ ने वो लगिया हुई ने। थोड़ी बहुत आवाजाही जरूर है बाजार के, बट अदरवाइज़ सब कुछ बंद है। तो वीकेंड लॉकडाउन का आप कह सकते लुधियाने के बहुत अच्छे तरीके पालन हो रहे हैं। तो जो लोग भी थोड़ा रोड से दिख रहे हैं उन्होंने प्रॉपर मास्क लगाए हुए हैं, आप भीड़ ना होने करके कह सकते हैं कि किसी ना किसी हद तक जो वीकेंड लॉकडाउन है वह पालन बहुत ही अच्छे तरीके हो रहा है। असं इस टाइम खड़े हाँ पुरानी सब्जी मंडी चौंक के, इतने भी उही सिनैरियो है कि तुम देख सकते हो कि जो बाजार ने वो प्रॉपरली बंद ने। मैं अपने कैमरामैन कहना चाहूँगी कि वो थोड़ा दिखाने तस्वीरों के कि जो मार्केट है वो प्रॉपरली बंद है। आवाजाही जरूर है बट कोई भी शॉप ऐसी नहीं है जो खुली हो। पुलिस वालों भी सख्ती की गई है अज के दिन, क्योंकि अज वीकेंड लॉकडाउन है। दस दई है कि पंजाब के शनिवार और रविवार यानी कि सैटरडे और संडे जो वीकेंड लॉकडाउन है सिर्फ आप देख सकते हैं कि मेडिकल की शॉप खुली है, अदरवाइज़ होर कोई भी उरे दुकान है जो नहीं ओपन, क्योंकि वीकेंड लॉकडाउन है। सख्त हिदायतों ने सरकार वालों कैप्टन सरकार वालों कि पंजाब दे विच जो सैटरडे और संडे का लॉकडाउन है वो जारी रहेगा। तो उसी के दरमियान तुम देख सकते हो कि किस तरीके जो दुकाना ने वो प्रॉपरली बंद ने। आवाजाही जरूर है थोड़ी बहुत, पर फिर भी जो मार्केट है उन्होंने आप बंद ही कह सकते हैं। तो लॉकडाउन का जो पालन है बहुत ही सख्ती नाल हो रहा है, बहुत सख्त हिदायत आई ने कैप्टन सरकार वालों, तो होर भी नवी हिदायत आई ने उन्हों का भी अपडेट असं थानू देवे। बट जो इस टाइम देख सकते हो तुम मार्केट के हालात ने जो कि हाँ थोड़ी बहुत आवाजाही जरूर है, बट जो मार्केट है वह प्रॉपरली बंद है। असं इस टाइम खड़े हैं केसरगंज मंडी चौंक के, जिथे कि तुम देख सकते हो सेम उही हालात ने कि वीकेंड लॉकडाउन का बहुत सख्ती नाल पालन हो रहा है। तो तुम देख सकते हो कि पुलिस प्रशासन वालों जो है वो बाइक्स से आके चैक किया जा रहा है कि कोई शॉप तो नहीं खुली, ता जो चंगी तरह दिखा देख सकन, वो चंगी तरह चैकिंग कर सकन कि किसी भी तरीके का कोई काम ऐसा तो नहीं हो रहा जो वीकेंड लॉकडाउन के नियमों की अवहेलना करता हो। तो तुम देख सकते हो कि कुछ जो फ्रूट्स वाले ने और सब्जी वाले ने उन्होंने समझाते हुए कहा जा रहा है कि उरे इकट्ठे ना हो, तो उन्होंने इतों भेजा जा रहा है। तो तुम देख सकते हो कि जो पुलिस प्रशासन है वो किस तरीके नाल वीकेंड लॉकडाउन का पालन करवा रहे हैं लोगों तो। उन्होंने कहा है कि जो फ्रूट्स वाले ने सब्जियां वाले ने वो गेड़ा लगाने के खड़नगे नहीं आ, वो गल करते हैं एक इन्हों नाल ते जानते हैं इन्हों का की कहना है किवें दे हालात ने वीकेंड लॉकडाउन। हालात बहुत माड़े है जी, की रोटी कमाउणी औखी पई बहुत ज्यादा जी। ते किवें रही अज दी सेल या अगे जमा ही नहीं जी, सवेर दे 500 रुपए नु वटिया जी। ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਨਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ?
अगे माड़ी मोटी हो जाती है, बहुत दिन बहुत माड़े हालात है। हूँ तो अगे तो 12 बजे तो लेके 5 बजे तक जो बाजार ने बंद रहा करेंगे, चंगी तरह सिर्फ 12 बजे तक ही बाजार खोल सकोगे। हाँ जी, उससे तुम की कहना चाहोगे? बहुत हालात माड़े है जी, की करा देखो जी, देखो कल देखो की हूँ तो जी। की कहना चाहोगे सर, जो वीकेंड लॉकडाउन है इतने थोड़े की हालात ने? हालात बहुत माड़े ही, असं रोटियां भी आ जा रही, बहुत कम खराब है। सरकार वालों नवीं हिदायत आई हैं कि सोमवार तो सिर्फ 12 बजे तक ही बाजार खुलेंगे, 12 बजे तो लेके 5 बजे तक बिल्कुल ही बाजारों बंद कर दिया जाएगा। कुछ दुनिया उदा मर जूगी, कुछ भुखे मर जूगी, और कोई हल ही नहीं है। थोड़े काम करते कितना असर देखने? असं दिहाड़ीदार हाँ, सानू तो दिहाड़ियां लेनिया भी औखिया हुई भी हैं। जो सौदा बेचेंगे तो ही दिहाड़ी मिलेगी ना, मालक भी की करेंगे। सौदे खराब हो रहे, इधर देखो हाल की हो रहे सौदियों के। सुबह की कितनी सेल हो चुकी है? 400-500 रुपया वटे सवेर का, उन्हें चो असी की लैके जावे तो मालकों की देवे? जे असी कुछ वट के देवे मालक भी ता ही दिहाड़े, मालक का अपना नुकसान हो ही जा रहा है। सरकार नु की कहना चाहोगे? असी सरकार नु की कहना, सरकार नु असी कहने भी टाइम दिता जाए, जो 12 बजे का टाइम है वह 6-7 बजे तक रहना चाहिए, ता कि असी थोड़ा बहुत बच्चों वास्ते रोटी कमाईए। तो हूँ जिम्मे पुलिस वालों ने थोड़ा कहा कि एक जगह खड़ना नहीं है, तुरते फिरते रहना है, तो यदा की कारण है? इनका यही कारण है भी बाजार जो चलते फिरते लोग रुकनगे, रश पेगा, असं गलिया महल जाव, पर गलिया महल कोई भी सौदा नहीं बिकता, कोई नहीं निकल लगा। तो लॉकडाउन तो कि दुखी हो तुम? असी बहुत ज़्यादा दुखी हाँ जी, दुखी नहीं बहुत दुखी हाँ। रोजी रोटी कि चलती? रोजी रोटी बहुत मुश्किल हो पी सन, बहुत मुश्किल है। उपरों से रेंट तो है, किराए भी कितों देने, जो मकान मालक है वह नहीं छड़ते, वह कहते असी पूरा रेंट लेना जी। सरकार वालों किसी तरह की सहायता? सहायता असं यही कहने जी प्रशासन को भी 6-7 बजे तक टाइम दिता जाए, ता कि असी रोटी कमा सकी। तो गल करते एक होर सब्जी की रेहड़ी लगाने वाले नाल, तो की कहना चाहोगे तुम, की हालात ने? बहुत माड़े बेटा, बहुत ज़्यादा माड़े ने, इन्ना क माड़े ने, रोटी कमानी बड़ी औखी होगी पुत्र जी, दिहाड़ी तो करते हैं तो रोटी खानी बेटा जी। तो हूँ की लगता कि आने वाले समय के हो सकता कि लॉकडाउन लग जाए या 12 बजे तक का टाइम कर दिता गया है? फिर तो भुखे ढिड से रोटी बननी पैनी, खानी तो पैनी नहीं, ढिड से रोटी बननी पैनी है, तसली होएगी हाँ भी रोटी बननी दी ढिड नूं। पिछला लॉकडाउन किवें निकलिया? वो बहुत औखा निकलिया, उस तो माड़े तो होर है बेटा, हालात हो रहे हैं। सरकार वालों कोई सहायता की गई थी पिछले लॉकडाउन? नहीं जी नहीं, कोई राशन वगैरह कुछ नहीं आया जी। इस बार कोई उम्मीद है कि सरकार किसी तरीके पिछले वाली नहीं आया तो ऐतकी की आएगा बेटा जी? तो फिर घर का गुजारा किस तरीके नाल होगा? बस हूँ चाहे डंडे खाइए जो मर्जी खाइए, रेहड़ी तो लावांगे, रेहड़ी तो लावांगे, रोटी तो खानी बेटा जी। तो पर सरकार का कहना कि करोना नाल भी बंदा मरूगा, इस तो वधिया की इस तो चंगा मौत आ जाओ वधिया वे, मौत आ जाओ भुखे तो नहीं मरांगे, मौत आ जाओ वधिया बेटा। मतलब की हालात हो गए ने कि थानू मौत वधिया लगन लग गई है? तो हाँ फिर बेटा मरना, तो फिर बच्चे पिछे नहीं देखा, जब मरी जाओगे फिर देखने वाला कौन होएगा, देखने वाला कोई तो नहीं होएगा, जब मरी जाओगे बेटा जी फिर की करांगे? की कहना चाहोगे सरकार ने? सरकार ने की करना, ये जो करना सी करना अपने वास्ते, सरकार ने तो कुछ नहीं करना, उन्होंने कहता लॉकडाउन तुम भुखे मरो, उन्होंने तो कोई टेंशन नहीं है, सानू तो अपने बच्चे टेंशन है, ठीक है ना बेटा जी, जब आप करांगे तो ही मिलेगी रोटी सानू। सरकार वालों लंगर भी लगाए गए सी पिछली बार? लंगर खान जाइए, अगला कहता हाँ भी भुखा नंगा आ गया लंगर है, तो लंगर ही माड़ा मोटा मिल जाएगा, वो भी नहीं मिलता, फिर पुलिस वाले डंडे मारते हैं, लंगर भी बाहर लगते गलियों से तो देन आते नहीं लंगर बेटा जी। मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात, बहुत बुरे हालात है। तो तुम देख सकते हो जो सब्जी की रेहड़िया वाले ने या जो फ्रूट की रेहड़िया वाले ने काफ़ी ज़्यादा परेशान ने, उन्होंने कहना कि ना तो सानू पिछली बार कोई मदद मिली ना इस बार मदद मिलन की कोई उम्मीद है, तो एक इंसान ने तो यह भी कहता कि एदू वधिया तो सानू मौत आ जाए, क्योंकि जो मौत आऊगी तो असं अपने बच्चों बिलकते नहीं देखांगे, क्योंकि असं भी अपने बच्चों का पालन पोषण करना है। सरकार को चाहिए कि इस मसले का कोई ना कोई हल कढ़ना चाहिए, क्योंकि जो गरीब आदमी है सब तो ज़्यादा वह पिस रहे हैं या मिडिल क्लास आदमी पिस रहे हैं, क्योंकि उन्होंने रोज़ कमाना है रोज़ खाना है, तो उन्होंने किसी भी तरीके का सोर्स ऑफ इनकम नहीं दिखाई दे रहा। अगर सरकार लई सोर्स ऑफ इनकम जरूरी है तो इन्हां लई भी सोर्स ऑफ इनकम जरूरी है। तो असं बार बार अपने चैनल के माध्यम नाल अपील करते हैं सरकार को कि प्लीज़ इस मसले का कोई ना कोई हल कढ़ो, इन्हां दी किसी तरीके मदद करो, ता जो ये अपने परिवार का पेट पाल सकन, अपने बच्चों की परवरिश कर सकन। असी जनता को भी अपील करांगे कि घरे रहो, लॉकडाउन का पालन करो,
सैनिटाइजेशन करते रहो, बार बार हाथ धोते रहो, मुँह से मास्क लगा के रखो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। इसी के नाल कैमरामैन जसविंदर के नाल मैं एकता सिंगला थोड़े तो विदा लिंदे हां, धन्यवाद।